नजर तेज करने का फॉर्मूला है, निगाह तेज करने का फोन चला चला के और मेरा काम भी सारा लैपटॉप वाला अठ अठ घंटे मैंने चेक कराइए फिर लेंस कार्ट में वो कह रहे कि स्पेशल चश्मा बनवाओ अल्ट्रा वायलेट वाला चार्ज आपके करो हाँ थोड़ा डरा देते ना कि चार हज़ार के चश्मे लेंगे अल्ट्रा वायलेट जो डॉक्टर ने दी ना टेस्ट करके उसको खुद चश्मा लगा हुआ था थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसा हाथ पकड़ पकड़ ऊपर कर दी थी आप में क्या आप एक्चुअली ये इसको कहते हैं जो आई स्पेशलिस्ट होगा इसको ऑप्टोमेट्रिक्स हाँ जी मैंने बोल दिया ना आप ऑर्थोपेडिक्स हो कितनी कहते नहीं मैं तो ऑप्टोमेट्रिक्स हूँ मेरा हाँ सर प्लीज ऊपर देखो इस तरह का ये खुल गया यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ यहाँ पे थीटा थीटा लिखा होगा थीटा थीटा एक्टिवेट कर लो उस दिन डेल्टा एक्टिवेट करवाया था ना अब थीटा को कर डेल्टा दोनों क्या दोनों चलाएंगे ना ऊपर देखो थीटा थोड़ा ये ब्लर नहीं आ रहा इसका विजिबल है आपको जी राइट साइड थोड़ा सा करना इसको बस आ गया अभी हां लाइट्स कर दो बस ठीक है नहीं नहीं फिर लेंस को मारो बड़ा हो जाता है कैमरा ट्रैक बैक पर बस 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 भाई ऊपर देखो थीटा 18,000 का थीटा कितना है 18,000 की कॉल का ये कॉल है ना -13 -13 कितना भाई -13 हां और 18,000 की पुट का भी देखो -13 14 है ना यही है -13 माइनस थीटा ना हमेशा माइनस में रहेगा थीटा माइनस में रहेगा पहले समझो कि थीटा है क्या थीटा होता है कि अगर एक दिन गुजर गया अगर एक दिन पास हो जाता है तो आपका ऑप्शन कितनी वैल्यू खो देगा सिंपल है ना कि अगर मार्केट एक दिन पास हो जाने से जो हमारा ऑप्शन है इस स्ट्राइक का अपनी कितनी वैल्यू उसकी कितनी वैल्यू कम हो जाएगी इस चीज को कहते हैं थीटा इंग्लिश में इसको बोलते हैं द चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वन डे एक दिन गुजर जाने के कारण आपका ऑप्शन की कितनी वैल्यू कम हो जाएगी प्रीमियम की उसको क्या कहा जाता है थीटा तो अगर मार्केट यही रुकी रही तो आपका ऑप्शन जो है अभी क्या रेट है इसका 57 है ना 57 है ना भाई हाँ जी 58 जिन्होंने लिए एक्सपायरी में कितने दिन पड़े हैं आज का दिन मिला के सोम मंगल बुध वीर चार ठीक है चार को चार ऊपर गया साढ़े चार चार चौकी सोलह क्या दिमाग बढ़ा दिया मैं इधर ऐसी फर्स्ट कैसे कर लेता रहा हूँ
बचपन में कहाँ सीखा प्लस प्लस माइनस फिर भी मैथमेट खुद क्या एनीवे साढ़े सोलह कितना आया साढ़े सोलह मतलब कि अगर देसी तरीके से देखें तो अगर मार्केट यही रुकी रहती है तो ये 58 रुपए वाली आइटम 14-14 रुपए करके चार दिन में साफ हो जाएगी पर ये 14-14 रुपए करके साफ नहीं होगी स्टार्टिंग में 13 रुपए फिर 13 है फिर 15 हो जाएगा फिर पर जैसे से एक्सपायरी पास आएगी ना इसका थीटा इंक्रीज होता चला जाएगा मतलब इसकी गलने की जो रफ्तार है वो तेज है पर इस चीज क्लियर है आज के हिसाब से इसका थीटा 13-14 रुपए है इसी तरीके से भी हमने निकाल लिया कि 13-14 रुपए की कॉल की वैल्यू कल कम हो जानी अगर आप ये कॉल खरीदते हो कल सेम रेट में मार्केट खुली तो आपकी कॉल 14 रुपए कम टूट के खुलेगी गॉट इट थीटा समझ आया जी थीटा चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो माइनस में दिखा दिया थीटा चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो उसके सामने फिगर माइनस ही दिखाया क्योंकि चाहे कॉल है पुट है समय तो दोनों के ऊपर नेगेटिव असर ही करेगा ना प्रीमियम प्रीमियम दोनों का ही टूटेगा इसलिए थीटा हमेशा नेगेटिव रहेगा माइनस में दिखाया जाता है जितना एट द मनी से दूर जाएंगे या आउट ऑफ द मनी की तरफ या इन द मनी की तरफ थीटा की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी क्योंकि वहाँ प्रीमियम नहीं होता है सबसे ज़्यादा प्रीमियम खाने को मिलता है हमें कहाँ पे तो यहाँ देखो जैसे जैसे आप इन द मनी में जा रहे हो थीटा जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जा रहे हो थीटा रिड्यूस इसी तरह सेम केस विद फुट्स थीटा या आउट ऑफ द मनी में काम हो रहा है इन द मनी में भी काम हो रहा है सबसे मैक्सिमम थीटा आपको खाने को मिलता है या सबसे मैक्सिमम जो प्रीमियम मिलता है ईट करने को वो एट द मनी पे ही तो आज के दिन ऑपरेटर यही तो कर रहे हैं एट द मनी 18,000 की कॉले बेच के बैठे हैं 17,000 की 900 की पुट अगर मार्केट पूरा दिन यही घूमती रही 14 रुपये वहाँ से इकट्ठे करेगा 14 वहाँ से इकट्ठे करेगा वो इजी फ्राइड एक ये स्ट्रेटजी भी होती है दोबारा ऑप्शन चेंज कर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग विच इज मोर इम्पॉर्टेंट टोटल ओपन इंटरेस्ट या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट चेंज इन इंटरेस्ट क्योंकि आज के दिन के हिसाब से क्या हो रहा है व्हाट इज हैपनिंग फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन डे टू डे बेसिस टूडेज बेसिस आज ज़्यादा पोजीशन किस तरफ बन रही है कॉल की तरफ या पुट की तरफ देखो दिमाग समझे सोचो सपोज आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टूडे कॉल की तरफ 10 लाख लॉट का काम हुआ मतलब 10 लाख लॉट का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कितने का कॉलों में पुट्स में हुआ 70 लाख का या 60 लाख का सॉरी 6 लाख का 10 लाख का किस तरफ हुआ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कॉल्स में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और पुट्स के अंदर हुआ 6 लाख इसका मतलब ये है कि 10 लाख कॉलें बिकी हैं और 6 लाख पुटें बिकी हैं इज इट राइट मार्केट को मुझे किसके पर्सपेक्टिव से देखना है मतलब यही होगा ना कि 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा मतलब कि 10 लाख वाले बिकी हैं और 6 लाख पुटे बिकी हैं तो इंस्टीट्यूशनल्स ने क्या ज़्यादा बेचा कॉल बेची या पुट बेची ज़्यादा कॉल बेची कॉल बाय किसने की कोई तो होगा व्हाटएवर तो आज इंस्टीट्यूशन को मार्केट को किस तरफ ले जाके फायदा मिलेगा नीचे या ऊपर नीचे कॉल ज्यादा बिकी है अगर मार्केट नीचे आई हाँ वो पुटों में तो लॉस उठाएगा कम लॉस उठाएगा एज कम्पेयर टू कॉल्स
कॉल्स में क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू पुट्स, इसलिए अगर ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स की तरफ है तो मार्केट का व्यू मंदा, अगर उसका उल्टा ले दो, अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टुडे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज मोर इन पुट्स एज कम्पेयर टू कॉल्स, तो मार्केट का व्यू उस दिन क्या रहेगा? सिंपल समझ गए ना, अगर कॉले ज्यादा है तो मार्केट मंदी, अगर पुट्स ज्यादा है तो मार्केट ओपन इंटरेस्ट, उल्टा चलना है आपको, क्योंकि जब कॉले कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा का मतलब क्या हो गया, लोग खरीद रहे कॉले बेच रहे कौन, इंस्टीट्यूशनल। अगर मार्केट का व्यू बेयरिश है, लोग क्या खरीद रहे हैं पुट्स, तो बेच रहा कौन है, इंस्टीट्यूशनल। तो जिस तरफ भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है मार्केट उसके उल्टा मापती है 70% की। जैसे आज का अगर हम देखें 18,000 की प्राइस प्राइस में 50,000 ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है जी जी, और 18,000 पे ही अगर पुट में देखें तो 31,000 है, तो मतलब आज इसके हिसाब से मार्केट 18,000 से नीचे ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन सर ये 17,950 में उल्टा है, 17,950 में हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में पुट में 49,000 है और कॉल में 40 है, तो इसका 17,950 में पुट ज्यादा है। 17,900 देखो ना, 950 की बजाय 17,900 की कॉल पुट देखो, 60,000 है, मतलब 17,900 से नीचे नहीं जाएगी। हाँ, वहाँ सपोर्ट मिलेगा और उसको 18,000 का रेजिस्टेंस मिलेगा, 17 और 18 के बीच में रहेगी आज का जो सेंटिमेंट बन रहा है मार्केट। यह है सिर्फ स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट देखिए, बट मैं अब मैं देखूंगा ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट कि ज्यादातर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो तोड़ नहीं सकता, तोड़ भी सकता है। पहले अब ये देखेंगे कि ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस तरफ क्रिएट हो रहा है, कॉल्स में या पुट्स में, यू विल सी। इसके अलग अलग मेथड्स हैं, यहाँ पे वेबसाइट है निफ्टी ट्रेडर्स डॉट इन, निफ्टी ट्रेडर्स डॉट इन, सेंसिबल के अंदर भी ऑप्शन ये है एनालिसिस के अंदर जाके ओपन इंटरेस्ट, निफ्टी ट्रेडर्स डॉट इन खोलिए जी आपने, उसके ऊपर देखो यहाँ ऑप्शंस लिखा है ऊपर टॉप पे ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस पे जाके निफ्टी ऑप्शन ऑप्शन इंटरेस्ट है, वहाँ लिखा है निफ्टी चेंज इन ओआई चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, निफ्टी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करना, thank you.
खोलिए जी। इसमें अपनी आईडी क्रिएट कर लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। नीचे आओ देखो, यहाँ पे देखो प्लीज, यहाँ लिखा है LTP गुना चेंज इन वाई। देखो ये जो दो ग्राफ बन रहे हैं, एक तो ऊपर सिंपल है, ये जो ब्लू कलर की बिल्डिंग्स हैं ये हैं हमारी कॉल का ऑपरेटर्स की बिल्डिंग्स, और जो पिंक कलर की बिल्डिंग है वो कौन सी है? तो इसके हिसाब से जो ये एक सबसे बड़ी बिल्डिंग ये रेड कलर की है, ये मेरे ख्याल से 17900 की होगी। हाँ 17900 के नीचे कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, मतलब सारा जोर जो लग रहा है 17900 अगर ब्रेक करता है फिर मार्केट और नीचे डाउन का रहेगा चांस, बट इसके नीचे वाला जो चार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ जाओ, इस चार्ट पे देखो प्लीज, इस चार्ट पे जो सारी चीजें थोड़ी क्लस्टर्ड है, ये चार्ट है जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है उसके प्राइस के साथ, मतलब कि किस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व हुई है। अल्टीमेटली तो ऐसा ही है ना, मान लीजिए मैं 18500 की कॉल पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर देता हूँ, उसका रेट ही मान लो 2 रुपये हो, उसको मतलब नहीं है ना, मतलब वहाँ पे है कि जहाँ पे मनी ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है, तो ये दिखा रहा है कि मनी ज़्यादा इन्वॉल्व कहाँ हुई है। आप इसका एक क्लस्टर बना हुआ देख सकते हैं, ठीक है, तो इस क्लस्टर की जो ये वाला पिलर है सेंटर वाले जो दो पिलर हैं 17950 की कॉल मैक्सिमम ट्रेडिंग में या मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आज कहाँ बना है दो स्ट्रेच। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है? 950 की, आज 950 की कॉल और पुट दोनों दबा के बेची जा रही है, अगर साइडवेज रहेगी मार्केट 17900 से नीचे नहीं आती, मतलब अभी इसके डेटा के हिसाब से 17900 का जो है वो सपोर्ट रहेगा। उसके बाद अगला ये 17900 की बिल्डिंग है, अगर 17900 के बाद नीचे कोई आज सपोर्ट नहीं बनती इसकी, अगर ये मार्केट तोड़ती है उसके बाद नीचे सपोर्ट नहीं है इसका कोई, बट चांसेस आर कि ये यहाँ पे क्लस्टर है इसके अंदर आज मार्केट घूम रही है, और इस क्लस्टर के अंदर अगर मार्केट रही तो इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करेंगे, प्रीमियम जो है सेलर को खाते हैं। इसके ऊपर वाले चार्ट पे आओ, वहाँ पे एक चीज लिखी है, वहाँ लिखा है मैक्स पेन, लाइव मैक्स पेन, देखो कहाँ पे ये मैक्स पेन, यहाँ देखो यहाँ लिखा है लाइव मैक्स पेन, यहाँ भी देखो मैक्स पेन की तरह लिखा है, यहाँ पे हरा जा रहा है, 18000 पे क्या है मैक्स पेन, क्या होता है दर्द, मैक्स पेन का मतलब है कि मार्केट कहाँ एक्सपायर हो तो जो खरीदने वाला बंदा है उसको सबसे ज्यादा पेन होगी। दोबारा बताऊ कि मार्केट कहाँ एक्सपायर हो कि जो बेचने जो बाय करके चलने वाले, मतलब मैक्सिमम प्रीमियम कहाँ पे जीरो होगा पैसे वाइज, स्ट्राइक वाइज भी हो सकता है कि 900 पे 950 में ज्यादा लॉट्स बिके हो, बट हमें तो पैसा देखना है ऑपरेटर को कहाँ पे एक्सपायरी करा के बेनिफिट मिलेगा कि जिससे उसका मैक्सिमम प्रीमियम उसके पास आए, तो वो लेवल क्या है
तो 18,000 का वो लेवल है जहाँ पे मैक्स पेन है, मीन्स कि अगर मैं 18,000 पे कॉल मार्केट एक्सपायर होती है तो कॉलों और पुटों का मिला के सबसे ज़्यादा प्रीमियम वहाँ पे जीरो। तो मैक्स पेन वो एरिया होता है जो मार्केट को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन वही एक्सपायर कराएंगे तभी बायर्स जो है वो घटा है। मैक्स पेन का एरिया समझ आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों कंबाइन ला के ना, कॉल और पुट दोनों का मिला के अगर मार्केट कहाँ एक्सपायर हो जहाँ पे मैक्सिमम प्रीमियम वाइप आउट हो रहा हो, वो उसको मैक्स पेन एरिया कहते हैं। वो विच इज एट, दैट इज एट 18,000। तो 18,000 का जो है वो मैक्स पेन खड़ा है, इसलिए तो 18,000 की कॉलेज दबा के बेच रहा है वो प्रीमियम खाने के मूड से। सर ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कम जाएगा जो मैक्स पेन है, अगर बढ़ेगा तो ये मैक्स पेन का ये स्ट्राइक है, कौन सी स्ट्राइक है मार्केट एक्सपायर हो इसी आज के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कि जहाँ पे मैक्सिमम जो प्रीमियम वो जीरो होगा उसको मैक्स पेन करते हैं। ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, अभी फिलहाल अभी का ये ये तो डायनामिक होगा ना, डे में चेंज होता रहता होगा, इसीलिए हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं ना। अब चले आगे, अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, करोगे तो भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी, करंट रेट 17,200 है, करंट रेट 17,900 है, आप कौन सी स्ट्राइक बाय करोगे? आपको 17,900 चल रही है, 17,900 चल रही है, आप 18,000 को खरीद सकते हो, 18,100 के ले लोगे, 18,200 ले लोगे, 18,300 ले लोगे, 18,400 ले लोगे, क्या 19,000 लोगे? नहीं सर। क्यों? वो बहुत ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है मार्केट पहुँचेगा ही मार्केट, सीधी सी बात है ना, अगर रिटेलर भी है तब भी वो 2-400 पॉइंट ऊपर तक ही मार मारेगा ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम रिटेलर को उल्टा करने जा रहे हैं, रिटेलर जो करेगा उसको उल्टा करने ही सोच रहे हैं। यहाँ से समझना, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ मार्केट का ट्रेंड पकड़ने का कहीं मिलेगा। आपने क्या देखना है कि पहले दिमाग लगाओ कि रिटेलर कहाँ तक खेल सकता है, 500 पॉइंट, जहाँ ऐड द मनी जहाँ चल रही है मार्केट उसे 500 पॉइंट ऊपर की मार मार सकता है ना वो, कॉल के केस में, पुट के केस में 500 पॉइंट नीचे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ मार्केट चल रही है उससे 500 पॉइंट ऊपर तक का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ऐड करेंगे। इसी तरह पुट के केस में 500 पॉइंट नीचे तक का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो देखेंगे कि आज ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल की तरफ बन रहा है या पुट्स की तरफ, जिस तरफ बन रहा है उसका उल्टा चलना है। समझ आया या प्रैक्टिकल करके दिखाऊं एक बार? देखो मैं एक मिनट, मैं ट्राई करके देखता हूँ, यहाँ पे ये एक्सेल है ना, कौन सा सेंसिबल है ना, सेटिंग में जाके यहाँ डाउनलोड ऐसे एक्सेल का ऑप्शन आ रहा है, देखो आ रहा है ना, आ रही है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना हर बंदे के पीसी में,
एक्सेल सीखना शुरू कर दिया आपने, ये नहीं किया भाई? जिसने कामयाब होना वो उसने कर दिया होगा, जिसने नहीं होना उसने नहीं किया होगा। आप क्या आए देखो ये डाउनलोड हो गए, एक्सेल फाइल हुई डाउनलोड, उस पर क्या क्या आया? ऑल ओपन इंटरेस्ट प्राइस आ रहा है, लिखा लास्ट डेट प्राइस आ रही है, मेरे वाले भी क्यों नहीं आ रही? ऑल डेटा आ गया, प्राइस आ रही है, क्वालिटी भी ओ आई नहीं आ रहा ना, चेंज इन ओ आई, चेंज इन ओ आई सर, ऑल ओ आई आ रहा है तो सिस्टम बन जाए कोई प्रॉब्लम ना। निफ्टी वाला सारी फैसिलिटी देता है, हमें लेनी नहीं आती, ये बाकी वेबसाइट वहीं से डेटा उठा के आगे बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। भाई ऐसा करो थोड़ा सा रुको, मार्केट कहाँ चल रही है? 1790 है ना जी, तो इसके ऊपर 1790 18 एक दो तीन चार देखो सतारा 900 मार्केट चल रही है, 17500 वाली पुट का रेट क्या है? रेट क्या है 5 रुपीज? क्या आप इसमें ट्रेड करना प्रेफर करोगे बाय करके चलना? ये कर भी सकते हो नहीं, इसी तरह नीचे आओ कॉल की तरफ देखो, 1850 की कॉल का रेट है, 1400 का रेट है 2 रुपये। मैं नहीं समझता कि बंदा इसमें भी काम करेगा। सो हम क्या करेंगे,
250 येलो का मतलब क्या भाई है? ऐड द मनी, छह स्ट्राइक के नीचे छह ऊपर, मतलब यही इन्हीं के अंदर ही खेलता है, इसके बाहर मुश्किल ही जाएगा, साइकोलॉजी ये कहती है। तो मैं क्या करूँगा, आज का चेंज इन वॉइस ऐड करूँगा कॉल्स का, ठीक है। सो कॉल्स का क्या है, कॉल्स का लेफ्ट साइड है, ये है चेंज इन वॉइस, ये राइट साइड पुट्स का, तो चेंज इन वाई ऐड करना है कॉल्स का, ये है 184,000। इसका दूसरा तरीका क्या है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू तो कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, अभी ऐड ऐड द मनी प्लस आउट ऑफ द मनी, इसी तरह पुट्स का ऐड करें, पुट्स का यहां से लेके यहां तक कितना आ रहा है, पुट का 2 तरीके होते हैं ऐड करने के, कोई फॉर्मूला लगाना एक्सेल के ऊपर ना, सो इक्वल का इक्वल टू का बटन दबाओ, जिस जिसको ऐड करना है इस तरह ये करना है, प्लस दिस प्लस इस तरह करके भी कर सकते हो, सिंपल अगर फॉर्मूला लगाना है, दैट इज एस यू एम सम वही, ये पुट्स का है, वो कॉल का चेंज इन वाई किस तरफ जा रहा है, कॉल कॉल सिंपल समझ आया। तो आज ऑपरेटर, आज रिटेलर क्या कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं, नहीं कर तो पुट भी रहे हैं पर ज्यादा कॉल कर रहे हैं, तो मंडी कहाँ जाएगी, अगर बाय करेंगे तो नीचे जाएगी, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखते हैं, नहीं मैं बताऊँ बाय कौन कर रहा है, हम लोग रिस्क उठ रहे हैं, बड़े प्लेयर, हम बड़े प्लेयरों के साथ चलेंगे, जो मार्केट बोल रहे हैं उसको उल्टा सोचेंगे बस, तो अगर कोल्ले ज़्यादा हैं तो नीचे, फुटे ज़्यादा हैं तो मार्केट, मुझे देसी तरीका समझ आया खेलने का सर, बेसिकली मतलब जो जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारे स्टॉप लॉस करवाते हैं, वो करवाएं ना करवाएं, मार्केट का व्यू ये कहता है कि भैया आज के दिन जो कॉल्स में ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कॉल्स के तरफ बंदे बैठे हैं, ज़्यादातर लोग हमारे कोले बढ़ेगी कोले बढ़ेगी, पर है क्या एक्चुअल में, कोले बेच भी हो रही हैं, उन्होंने ज़्यादा लोगों को लॉस ही कराना है ना, तभी उनको प्रॉफिट बचेगा, कभी कभार गलत भी होता है फॉर्मूला, ऐसी बात नहीं है, बट 70% ये एक्यूरेट है, ये फॉर्मूला आपने लगाना है 10 बजे शुरू करता है, 10, 10:30, 11, 11:30 इस तरह आधे आधे घंटे के इंटरवल पे आपने चेक करना है, और ऐड द मनी से ही मेजरमेंट करनी है, गॉट इट, तो 6 नीचे 6 ऊपर, मतलब देखो अब 6 नीचे 6 ऊपर हमने अंदाजा लगाया कि यार रिटेल में यहाँ खेलेगा, मान लो आप अमेरिकन मार्केट में खेल रहे हो, तो वहाँ कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि 6 ही करनी है, तो आपको जजमेंट करनी होगी, नब्ज पकड़नी होगी मार्केट की, यहाँ के रिटेलर कहाँ तक गेम खेल सकता है, समझ रहे हो ना, अगर ये अगर किसी बुक में लिखा होगा 6 ऊपर देखो 6 नीचे देखो तो सारी दुनिया 6 करने लग जाएगी, तो वो चीज़ नहीं है, मैंने आपको 6 इसलिए करवाया क्योंकि हमने एनालाइज किया कि मैंने आपसे पूछा कि अगर आप होते तो क्या करते, एक्सपायरी तक
जी आपका मन है कॉल खरीदने का, तो आप इसी स्ट्राइक के अंदर अंदर ही खरीदोगे ना, यहाँ पर 18,500 भी खरीदोगे, रेयर चांस है ना खरीदने को, कौन किसी को रोक रहा है, खरीद के बैठे हैं, बैठे हैं वहाँ पे, बट मजा कहाँ पे आएगा ऑपरेटर को पैसे कमाने में, उसको 2 रुपये थोड़े खाने हैं उसने, जो 18,500 रुपये 2 रुपये कॉलेज खरीद के बैठ भी गया उसको वहाँ मजा नहीं है ना, मजा उसको यहाँ पे 70 रुपये जीरो करवाया पार्टी। सर इसमें एक छोटा सा डाउट है, जैसे 17,900 पे अभी चल रहा है, अगर खाली 17,900 की ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो हमारा पुट में चेंज इन इंटरेस्ट है 53,000 कहाँ पे पुट में 17,900 पे 60,000 है, चलो 60,000 मान लेते हैं सर, और कॉल पे कितना है 5,000, तो उसी हिसाब से तो मार्केट फिर ऊपर जाना चाहिए, समझ नहीं रही बात, वो मार्केट का चल कहाँ रही है, 900 भी चल रही है ना सर, वो उस वो हर्डल है वहाँ पे, सपोर्ट है आप ये कह सकते हो ना, पर मैक्सिमम प्रेशर किस तरह 18,000 की तरह जाकर, नहीं नहीं आप एक स्ट्राइक को पकड़ कर वो वहाँ पे वो सपोर्ट मतलब वो स्ट्राइक सपोर्ट दे सकती है, बट अगर हम ओवरऑल पिक्चर की बात करके चलें तो कॉल में उससे आगे वाले 6 देखने पड़ेंगे, फुट में उससे पीछे वाले 6, ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो कॉल्स में ज़्यादा ऊपर इंटरेस्ट है एज कम्पेयर टू फुट्स, सत्रह हजार 900 में मार्केट सपोर्ट लेगी, पर अगर ये तोड़ गया आपका कहाँ जाएगा बाजार, तोड़ दिया तोड़ दिया वो देखो वो तो नेचर मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, ये बड़ी एक बार तोड़ के ऊपर नहीं आ सकता, वो तो मतलब जो गेम किस तरफ जाएगी, मंदी की तरफ जाएगी, इसमें आप कोई अपडेट करना चाहो चीज फॉर्मूला समझ आया आपको मंदी कैसी खरीदने का, इसमें कुछ आप अपडेट करना चाहो एक बार जैसे समराइज करना हो, जो अभी आपने बताया 5 स्ट्राइक ऊपर की ले लो और 5 नीचे की ले लो, उसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है उसको ऐड कर लो और ये देखो किस तरफ है, मतलब कॉलेज ज़्यादा हो गया तो मतलब मार्केट नीचे की साइड को आने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा, अगर पुट्स ज़्यादा है मार्केट ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा, ये स्ट्रेटजी आधे आधे घंटे बाद चेक करते रहो क्योंकि मार्केट मूव करती रहती है, और चेंज आधे घंटे ट्रेड तो 5 मिनट चार्ट पे करेंगे ना, यहाँ से तो व्यू ले लिया, यहाँ से व्यू बैठा लिया कि मार्केट आज गिरेगी, यहाँ ये थोड़ी बता रहा है कि कब खरीद कब बेच, वो चार्ट देख के करना होगा ना, पहले यहाँ से व्यू देखना हमने, व्यू पकड़ना है, तो आज का व्यू क्या कहता है भाई, मंदी बेची मंदी, तो बताओ क्या करना चाहोगे, कॉल बेचनी चाहोगे या पुट खरीदनी चाहोगे, कॉल बेचनी, कॉल बेचनी, ठीक है तो पुट बाय जा सकती है, सकती है कॉल बेची जा सकती है, बट कैसे किस डिपार्टमेंट का काम है, एनालिसिस डिपार्टमेंट का काम है या एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट का, अभी एनालिसिस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट बना दी है और रिपोर्ट कहाँ जा रही है, सारे एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट का काम है कि वो इस रिपोर्ट को कैसे यूज करता है, इसका बेनिफिट लेता है, अब सबसे मार कहाँ पड़ती है ऑप्शन में, ऑप्शन डिपार्टमेंट में मार यहाँ पड़ती है कि यहाँ बंदे दोनों डिपार्टमेंट को यूज कर लेते हैं, किस किस को, एनालिसिस को और एग्जीक्यूशन को, पर यहाँ रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते, टॉप में कर लेते हैं, क्यों नहीं करते, मान लीजिए मैं कहूँगी हाँ मंदी है मार्केट आप पुट खरीद लो, आप कहते हो जी 17,900 की पुट का मर्जी क्या रेट चल रही है, मैंने कहा ध्यान लगा मेरे पास भी है ना
भाई देखो इस 17,900 की पुट है, 17,900 की पुट का रेट चल रही है, 85 रुपये चल रही है मान लो। अब बंदा कहता जी 85 रुपये चल रही है, 85 × 50 4200 रुपये में काम हो रहा है ना। अगर आप ये 80-85 रुपये पे पुट खरीदते हो जी तो कितने पैसे चाहिए अकाउंट में? सपोज हम 85 रुपये पे इसको खरीद रहे हैं और इसका 60 रुपये का स्टॉप लॉस है, वो हमारे चार्ट ने बताया कि भाई 85 में खरीद और 60 पे एसएल लगा, तो अगर 60 का एसएल लगाते हैं तो 25 रुपये का एसएल हो गया, तो कितने का नुकसान है? तो बंदे क्या सोचते हैं कि 5,000 रुपये है अकाउंट में, चलो ले लो ऑप्शन में। ज़्यादातर फंसने का रीज़न यही है कि वहाँ पे 5,000 वाला बंदा भी ऑप्शन का खिलाड़ी बन जाता है। अब मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया 1,250 रुपये गए, तो 5,000 के हिसाब से 25% अकाउंट साफ हो गया। दूसरा ट्रेड भी गलत किया, 1,200-1,250 फिर लग गए, 50% अकाउंट वाइप आउट हो गया साफ। तीसरा ट्रेड लेने के पैसे ही नहीं बचे गए। गलती यही होती है ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शनों के अंदर लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यार जाने को 5,000 करके लाखों का हार जाते हैं। ये नहीं करेंगे कि 1,00,000 रुपये लगा के 1,000 रुपये का रिस्क लें। मैं कहता हूँ 1% का रिस्क लो, 100% ही होगा ना 1,200 रुपये का। तो अगर 1% का रिस्क लेना है तो अकाउंट में एटलीस्ट कितने पैसे होने चाहिए? ऑप्शन का ये ड्रॉबैक है कि ये बंदे को कम पैसों में ट्रेडिंग करवा देते हैं। तो बंदे 5,000 रुपये लगा के 5 से 10 बना लिए, या फिर वो फिर उससे माइंड खराब हो गए, वो कंटिन्यूसली लॉस लेते हैं। सो मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप एटलीस्ट 1,00,000 रुपये अकाउंट में रख के ही ट्रेड करना, 5-10 हज़ार वाला गेम नहीं है। हाँ अगर आप ये कहते हो कि सर ये स्टॉप लॉस छोटा है, सॉरी 1,250 ज़्यादा है, ये 2,000 का रिस्क है मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग करने में ज़्यादा है, तो फिर ऑप्शन नहीं करना आपने। क्योंकि मान लीजिए ये तो 25 रुपये का स्टॉप लॉस है, मान लो कि आप 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हो, 35 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हो, तब भी आपका 1,500 से 1,800 का तो नुकसान होगा ही ना अगर हिट हुआ। क्योंकि मैं एक चीज़ नहीं कम कर सकता, मैं लॉट नहीं हटा सकता, लॉट तो 50 का ही रहेगा ना। NSC को मैं थोड़ी बोल रहा हूँ 10 का कर ले प्लीज़ यार, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, रिस्क मैनेजमेंट हो नहीं रहा है। अपनी मर्जी से स्ट्रेटजी के हिसाब से खेलेगा, अपनी मर्जी से स्टॉप लॉस 10 रुपये करेगा, मार्केट ने 2 चपेट मार बाहर निकाल के 500 रुपये छीन लेने हैं। बस स्टॉप लॉस नहीं हिलाना, स्टॉप लॉस को स्ट्रेटजी के हिसाब से चलाना है। आपके हाथ में एक ही हथियार है, वो क्वांटिटी कम ज़्यादा करने का, और वो ऑप्शन में वो भी आपके पास हथियार छीन लिया गया है। वो कहते हैं नहीं 50 का ही रहेगा लॉट को, इसीलिए ऑप्शन में रिस्क मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है फ्यूचर्स ऑप्शन में, क्योंकि वहाँ लॉट एक्सचेंज फिक्स करके देती है। वो कहते हैं नहीं इससे छोटा नहीं करना, पहले 25 का भी रहा है, 75 का भी रहा है, फिर दोबारा 50 किया, पहले 75 का था फिर 25 का हुआ, फिर दोबारा 50 का। एक बार किसी का बहुत बड़ा प्लेयर था, वो ट्रेडिंग उसकी बड़ी ज़्यादा थी, रोज के 20-30 हज़ार लॉट ट्रेड करता था। उस टाइम निफ्टी का लॉट का साइज था 75 का। मैंने उसकी अप्रोच की, मैंने सर आप हमारे साथ काम करो, दैट टाइम आई वॉज इन बिरला, आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज, 2013-14 की बात है। वो कहता आप मुझे ट्रेडिंग करवा नहीं सकते? मैं क्यों? कह रहा मैं बहुत ही कम लॉट पे काम करता हूँ, आपकी कंपनी इतने कम ब्रोकरेज मुझे देगी नहीं। मैं कहा कितनी है सर फिर भी? उसने कहा जी 3 रुपये पर लॉट। मैंने दिमाग लगाया, मेरा 20,000 लॉट रोज मारेगा तो 60,000 का हो गया, मेरी तो मेरा किया है पूरा एक बंदे से रोज का। अगर मैं मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ और वही एक ही बंदा है मुझे 60,000 का रेवेन्यू दे रहा है, मेरा तो किया है पूरा, मैं कुछ करूँ ना करूँ? मैं कोई बात नहीं, मैं अप्रूवल लेता हूँ। मैंने मेल पूल पाई, बॉस को इन्वॉल्व किया,
आगे बॉस और भी शातिर निकला हुआ, वो मुझे बाईपास करके आप खुद ही से डील करने लग गया। वो ब्रांच हेड ना, चलो ठीक है मैंने ये कर ले, तू भी अब तुझे तो बीच में है ही है, बाईपास किया नहीं जा सकता। तो आगे मेल नहीं कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ डील उससे, ऐसे पता ही आपको कॉर्पोरेट में लोग करते हैं ऐसे ना। तो कंट्री हेड मैनेजमेंट ऐसा तो नहीं होती कि मैनेजमेंट को ना पता हो, पता ही होता है। कंट्री हेड को पता था कि उसने पूछ ही लिया, कंट्री कह रहा है इसको इनिशिएट किसने किया, उसको बोलना पड़ा किसने किया। कह रहा अच्छा अच्छा असली बंदा मेरा ये है, आप बिलीव नहीं करोगे बिरला का कंट्री हेड मुझे स्पेशल मिलने आया था मुंबई से। पर डील करो क्रैक किस तरह हुई कि मैं उससे अप्रूवल लेके आया 3 रुपए की, मेरा कमेटी बैठी उसने बोल दिया कि चलो ठीक है 3 रुपए की अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल लेके फॉर्म लेके सारा कुछ मिल के बाहर आ रहा हूँ जी, अनाउंसमेंट हो गई कि लॉट साइज 25 स्टॉक। बंदा कहता है यार 25 का लॉट साइज हो गया, मैं तो 75 के हिसाब से 3 रुपए दे रहा हूँ, तीसरे से रह गया ना 1 रुपए का दो। मैंने तो क्वान्टिटी में खेलना है ना, जैसे मैं अगर मैंने 10,000 क्वान्टिटी लेनी है मुझे क्या फर्क पड़ता है कि 75 है 25 समझ तो 10,000 के 10,000 लगेंगे। तो आपने अगर 3 रुपए 75 के हिसाब से दिया है तो 25 हिसाब से कितना दोगे? 1 रुपया। और फिर पन्ना हो गया, फिर वो लटक गया मामला बीच में, क्योंकि कंपनी जो है कोई लाला कंपनी तो है नहीं है बिरला, अप्रूवल ये वो सारा कुछ। एट द एंड उसको कर करा के 1.5 रुपये दिए, उसने काफ़ी ट्रेडिंग की, फिर मैंने छोड़ दी थी वो कंपनी। बट वो मेरे बाद भी 3-4 साल तक करता रहा, पूरी ब्रांच कॉस्टिंग पूरी करता रहा। एनीवे और वो चीज़ है अभी 75 से 25, फिर देन अगेन आफ्टर इट वेंट एट। तो भाई ये यहाँ तक चीज़ समझ आई जी। अब अगला स्टेप क्या, आपने ट्रेंड पकड़ लिया कि मंदी आ रही है, तो क्या करोगे, पुट खरीदोगे या फिर कॉल बेचोगे? तो करनी कैसे है उसके लिए हमें जाना होगा अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे, क्योंकि क्योंकि सेंसिबल जो है, जो सेंसिबल है मेरे भाई, वो ऑप्शन का डेटा ऑप्शन ऑप्शन में उल्टा फंसोगे, कोले ज्यादा होंगे फिर वो भी ऑप्शन ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में पता क्या होता है, लोग ना कवर्ड कॉल खेल रहे होते हैं। कवर्ड कॉल मतलब कि लोग क्या करते हैं
स्टॉक खरीद के कोले बेच के बैठे होते, तो सामने वाले को लगेगा कोले ज्यादा है मार्केट गिरेगी, उल्टा कोले और ऊपर चली जाती है, इन नंबर में आ जाती है, उनके उन बंदों की डिलीवरी दिख जाती है। तो ये इस फॉर्मूला आपने ऑप्शन में नहीं लगाना, निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्टॉक ऑप्शन में नहीं, हाँ स्टॉक ऑप्शन में लगाना, ऑप्शन में लगाना, स्टॉक ऑप्शन में लगाना। चले आगे, तो भाई यहाँ से मंदी देखने के बाद आगे अपना जाना है ब्रोकर के टर्मिनल। देखो ब्रोकर के टर्मिनल पे जाके क्योंकि जो ऑप्शन के चार्ट हैं वो ब्रोकर के टर्मिनल पे ही मिलेंगे आपको, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 18,000 की पुट लगा ली, 17,900 की, 18,000 की पुट, 17,900 की पुट, निफ्टी 17,900 की पीई नहीं तो सीई मैंने वॉच लिस्ट लगा ली है, देखो तो 17,900 की सीई इंट्राडे ट्रेड करने के लिए चार्ट का साइज रखना है 5 मिनट्स का चार्ट नंबर वन। नंबर टू कैंडल रखनी है हाई की नाशी वाली, कर दिए। राशि क्योंकि ये हम लगाएंगे ना सुपर ट्रेंड्स पे, है कि राशि बेटर परफॉर्म करती है, दूसरे वाले पे निकलेंगे। लगा लीजिए कि राशि। अब देखो इसके अंदर जो आपका ब्रोकर का टर्मिनल है, कौन कौन सा ब्रोकर है ये आपका बताओगे थोड़ा मुझे? अजीरोधा, अपस्टॉक, डीजल ब्रोकिंग, ठीक है, कोई बात नहीं। आया जीरोधा पे है कि राशि है? उसके बाद देखो ऐसी कैंडल लगा ली 5 मिनट की, देन आफ्टर इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है सुपर ट्रेंड। ट्रेड मारना है कि आप कहते हो मैं एक दो दिन रखना चाहता हूँ उसको, बड़ा मुनाफा लेके फिरना है, तो इसकी लेंथ करनी है आपने 3-3। अगर आपका व्यू है कि या तो इंट्राडे या फिर मैक्सिमम एक दिन, तो लेंथ करनी है 2-2। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3-3 हमारा पोजीशन इधर होल्ड करके चलने का नजर दिया आपका।
प्लीज ऊपर देखो लगा लिया आपने इस तरह जी। अगर तुम बहुत ही स्मॉलर टाइम फ्रेम पे खेलना है इंटरडे तो दो दो कर लो, अगर पोजीशन एक दो दिन का है ले जाएगा, लेकिन चलना है कि बड़ा आप लेना चाहते हो तो फिर तेज दिया। देखो इसमें मैंने डेटा देखा, मार्केट एक बज रही है वैसे तो, इसका सेल का सिग्नल चल रहा, करंट रेट कितना जी 95 रुपये है ना, इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे है ऊपर देखो, इसलिए यहाँ सेल का सिग्नल दिया है ना, ये इसका स्टॉप लॉस है जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है ना सुपर ट्रेंड का, वो क्या होगा। अब आप ये कहोगे जी कि ये नीचे आ गया है स्टॉप लॉस यहाँ आ गया होगा है ना, यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाना, वही लगाना है जहां पे इनिशियली आया, तो कितना 130 रुपये करंट रेट कितना है जी 94.95 रुपीस। देखो मान लो आपने सौदा लिया स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने यहां 95 रुपये में सेल की कर दिया, स्टॉप लॉस कहां लगाया 130-130, क्या ऐसा हो सकता है मार्केट चढ़ जाए 130 पे स्टॉप लॉस, तो 130-95 5×50 1500 रुपये अप्रोक्सीमेटली लॉस, यस और नो। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसे 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 हो गया, यहाँ बाय आ गया, तो फिर यहाँ चेट करेंगे या ये स्टॉप लॉस हिट होने की वेट करेंगे, जहाँ बाय आ गया वहाँ चेट कर, चाहे वो 2 रुपये का नुकसान हो जाए 10 रुपये का 5 रुपये का 8 रुपये का या 5-7 रुपये बच रहे, मतलब ये लास्ट कैसल है, लास्ट कैसल मतलब लास्ट किला है आपका, यहाँ तो आ गया हिट मारना, यहाँ स्टॉप लॉस ना लगाना गलती से भी, मार्केट बनाई आपको पता कैसे, ऐसे टच करा के ऐसे नीचे आ जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा वो फिर नीचे आ जाएगा सर, यहाँ सेल आएगा नहीं पटेट एक बार टच करके ऐसे हो जाएगी, आपको सिर्फ लगाना यहाँ पे जब एग्जिट प्रॉपरली दिख जाए उस केस में तो मार्केट पे निकाल। सो वी विल ट्राई टू डू अ ट्रेड इसके हिसाब से, ठीक है भाई मैंने एक लॉट सेल मार दिया। देखो ये चीज बड़ी खतरनाक है कि जैसे आप लगा रहे हो ना आपको मार्केट में
मैं कह रहा हूँ वो एक बार लग जाए तो फिर उसके बाद तो रेट ऐसे ऊपर नीचे हो रहे होते जो एक्चुअली मैंने 95 में बेचने के लिए लगाया ना तो 92 का रेट आ गया इसलिए मैं कह रहा था कि एक बार ऑर्डर मारने के बाद भी चेक कर लिया हो कि हो भी गया नहीं हुआ सो एनीवे मार्केट पे लगा देना और नहीं वो एक्चुअली मैंने याद आ गया मेरे ना कुछ नु उठा रखी है वो 13000 रुपये में करने देगा तो ये तो हमें सेल वाला ऑप्शन है इसका उल्टा क्या होता है भाई की जा सकती है अगर 17200 की कॉल सेल कर रहे हैं तो मंदी खेल लिया तो क्या बाय करेंगे पुट का बिल्कुल केस उल्टा 17200 की पुट लगाओ क्या रेट चल रहा है भाई पुट का 82 रुपये प्लीज ऊपर देखो ये है अपना इंट्राडे के हिसाब से दो का मैंने लगाया करंट रेट है 82-83 रुपये जो भी है स्टॉप लॉस बिल्कुल बॉटम पे लगाना है जहां से सिग्नल आएगा क्या रेट है उस टाइम पे बल मोटा मोटी 50 रुपये मान लें अगर मैं 82 रुपये गिरता हूँ 50 का स्टॉप लॉस है 32 रुपये जाएंगे 32 × 50 कितना होता है 1600 का रिस्क वो भी 1600 का रिस्क किस केस में है अगर मैं खाना खाने लग गया और एकदम से ऐसे गिर गया बट ये अगर इस लाइन को कट करेगा जहाँ भी सेल का सिग्नल आएगा यहाँ यहाँ मैं वहाँ पे एक्सिट करूँगा ओके तो मैं कॉल तो नहीं बेच सका आई विल ट्राई टू बाय द तो मैंने बाय मारा एकदम से ये पेंडिंग आ रहा है रेट बैसी की बजाय देखो ये 86 रुपये चलो अभी मैंने बैसी पे ही रखता हूँ उसको लगा के क्योंकि मैंने बैसी पे लगाते हैं कम से वो सिर्फ ये चीज़ ध्यान दी ऑप्शन में बहुत जल्दी फ्लक्चुएट मारते हैं हमें 2-4-5-10 पैसे ऊपर लगा के ही ऑर्डर लेना होगा एंड ठीक है ऑर्डर लग चुका है मेरा मान लो 82-83 रुपये तो आपको कंसेप्ट आइडिया क्लियर हुआ जी किस तरह है ऑप्शन ऑप्शन में इंटर डेटिंग कैसे करनी है कितना रिस्क है जी मेरा इसमें ओनर एवरेज निकल के आया 1500 से 2000 के बीच में मार देते हैं मोटा मोटी मैक्सिमम जो है एक ट्रेड इससे छोटा रिस्क ऑप्शन इससे छोटे रिस्क के साथ ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं की जा सकती वो की जा सकती है अगर आप 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओगे 10 का लगाओगे तो वो नहीं चलेगा बहुत जल्दी हो जाएगा वो वहाँ मार्केट आपको वहाँ जा रही है 2 मिनट में ट्रेड बनेगा नहीं सेटअप बनेगा नहीं जो मैंने आपको स्टाइल बताया कि आपको ऑप्शन को ही देख के करना है मान लो निफ्टी चढ़ भी रही है मान लेते हैं दूसरी तरफ थीटा इतना असर कर रहा है कि मेरी ऑप्शन का रेट नहीं चढ़ रहे तो वाई शुड आई गो देयर मैं तो चार्ट जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहा हूँ उसी का चार्ट देखूंगा ना अब मैं अलग इंस्ट्रूमेंट का चार्ट देखे वो मैं गोल्ड का चार्ट देखे सिल्वर में क्यों ट्रेड करूँ
है, दोनों कोरिलेट कर रहे हैं दूसरे से। अब जितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाएंगे उतना नुकसान ही होगा। कई लोग करते हैं निफ्टी का, निफ्टी को देख के निफ्टी के ऑप्शन में खेलते हैं, मेरे अकॉर्डिंगली दैट इज नॉट अ वाइज थिंग, बिकॉज निफ्टी मूव अपने हिसाब से करेगी। ऑप्शनों के ऊपर 10 फैक्टर हैं, उसके ऊपर आप ये कह दो थीटा का असर है, डेल्टा का असर है, अदर चीज़ों का काफ़ी इफेक्ट है। सो फिर प्रॉफिट कैसे बुक करना है इसमें ये बता दो। राइट आंसर, स्टॉप लॉस कितने का है? 35-40 रुपये का। मान लीजिए आप दो लोट ले रहे हो, दो लोट तो पहला लोट उतने पे बुक कर लेना जितना आपका लॉक 30-35 रुपये का स्टॉप लॉस। हाँ, पहला टारगेट ले लिया वहाँ पे, दूसरा तब करना जब सेलर सिग्नल आए। अगर कैरी नहीं करना तो फिर डे एंड पे क्लोज कर दीजिए। Thank you.